एटीएस म्यूजिक जो है वो मेरे परम दोस्त, मेरे खास दोस्त अश्विनी कुमार सहदेव और मैं रामशंकर, हम दोनों ने मिलके बस ये प्लान किया कि एक अच्छी म्यूजिक कंपनी खोली जाए जिसमें कि मेलोडियस, ऑथेंटिक और सोलफुल म्यूजिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी कड़ी में हमने ये मिलने क्या चीज है और ये इश्क है, ये दो एल्बम हमने रिलीज किए हैं। मैं चाहूँगा दो शब्द अलका जी बोले, फिर सभी रंजा साहब मेरे बड़े भाई जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं और मेरी हौसला अफजाई करी, सपोर्ट किया। तो अलका जी दो शब्द बोले। बहुत बहुत बधाई हो इन जी को, अश्विनी कुमार जी को, रामचंद्र जी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। फले फूले कंपनी बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करे। दिल में क्या चीज़ है, मैं मुझे दो गाने गाने का सौभाग्य मिला है, बहुत मेलोडियस गाने हैं और जो संगीत चल रहा है आजकल, मुझे लगता है पहले जो म्यूजिक मेलोडियस म्यूजिक चल रहा था उसमें ये जो दौर बदला तो लोगों ने कहा हमने फ्रेशनेस के लिए दौर स्टाइल चेंज किया है म्यूजिक का, तो अब ये जो म्यूजिक है अब ये इस दौर में ये फ्रेश म्यूजिक लगेगा, फ्रेश बन के आएगा। और मुझे बहुत चाह है कि वो मेलोडी जो एक वक्त हुआ करती थी वो वापस आए, मुझे लगता है इस फिल्म से वो मेलोडी वापस आएगी। और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, रामचंद्र गाने हैं, मैं चाहती हूँ लोग सुने और अप्रिशिएट करें और इस दौर को वापस लाएं, इससे इंस्पिरेशन लेकर इस एल्बम से। बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर, गॉड ब्लेस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अंकल जी, सब मीडिया के लिए बधाई। सबसे पहले तो मैं राम को और उनकी कंपनी एकेएस को बहुत तहे दिल से दुआ करता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इनका सफ़र बहुत दूर तक जाए। जैसा अलका ने भी कहा कि अक्सर लोग जब हमसे मिलते हैं, और मैंने अलका ने साथ में बहुत काम किया है, अब लोगों की शिकायत है कि सर अब वो मेलोडी सुनने के लिए नहीं मिलती, वो गाने सुनने के लिए नहीं मिलते। बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, बदलाव होता रहता है, होना चाहिए भी। मगर ये जो राम की कोशिश है, राम की काबिलियत के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही गुणी आदमी है और बहुत अच्छा काम करते हैं और इसके साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। तो मुझे लगता है कि ये जिन लोगों को इन चीज़ों से शिकायत है और चाहते हैं कुछ नया उस दौर का म्यूजिक सुनना जो मेलोडी वो मिस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं राम से भी कहूँगा कि इसका जितना प्रचार प्रसार करवाएँ ताकि लोगों की शिकायत दूर हो। और अब सही वक्त है, क्योंकि अब जब भी नए लोग भी मुझे मिलते हैं, मैं नई जनरेशन के लोगों से मिलता हूँ, वो भी कहते हैं कि नहीं सर ये राइट टाइम है चेंज ओवर लाने का। तो मेरे ख्याल से ये संगीत कंपनी का, इस म्यूजिक का, इस फिल्म का सौभाग्य है कि ये इस वक्त रिलीज हो रही है, और मैं दुआ करता हूँ कि बहुत सफल हो और लोगों की शिकायत दूर हो। थैंक यू सो मच। लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में हो जा चाहे यारा फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी, रातों के सुर से निकले सुबह की रागनी, लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक मैं, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस